आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ लकी लक्ष्मीकांत वर्मा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था तो आप सभी ने उसका सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके बीच एक फिर से कॉमेडी एक्ट लेके आ रहा हूँ। तो आज यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मान लीजिए कोई ऑडिशन चल रहा है और वहां पे कैसे शराबी आता है और एंकर और शराबी के बीच में क्या नोकझोंक होती है, उससे जो कॉमेडी उत्पन्न होती है उसी पे आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना एक छोटा सा एक्ट, तो एकदम से स्टार्ट करते हैं और एंकर की एंट्री हो रही है और सारा भी बीच में कैसा था देखेगा। और मैं यहाँ पे किसी नशीली पदार्थ का प्रयोग, क्या बोलते हैं उसे, नशीली पदार्थ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त। शुरू करते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। तो प्रस्तुत है एकदम शराबी आता है कैसे। अरे भाई साहब, आप यहाँ कौन, आप कौन यहाँ पे क्या करने आए? मैं हूँ आम आदमी और यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है तो मैं ऑडिशन देने आया हूँ। अच्छा, आप ऑडिशन देंगे? तो आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट मेरे में कूट कूट के भरा है। अच्छा, टैलेंट तो क्या करने वाला है? मैं यहाँ पे मिमिक्री करने वाला हूँ। मिमिक्री, क्या बात है, अरे एक बार जोर ताली बजाए। हाँ तो स्टार्ट। ओके, तो फिल्म शोले ठाकुर जी संजीव कुमार का डायलॉग है कैसे? राम राम गब्बर से कह दो कि राम गढ़वालों ने कुत्तों को रोटी रानी बंद कर दिया। क्या बात है। एक मिनट भाई साहब, फिल्म सही है, शोले डायलॉग भी सही है, लेकिन आवाज, अरे आवाज तो शाहरुख खान साहब की है। अब चुप सुन, जब फिल्म सही है, डायलॉग सही है, तो आवाज शाहरुख खान की कैसे? और रही बात शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान का डायलॉग तो ये है, सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुनाइए। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश किया कि हर एक जरे ने ये तुमसे मनाने की साजिश की। कहते हैं अगर कोई किसी को सच्चे दिल से चाहे तो कोई कहना उसे तुमसे मनाने में लग जाती, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेरे भाई पिक्चर सही है, डायलॉग भी सही है, लेकिन आवाज तो ऋतिक की है, कोई मिल गया क्या? अबे चुप। अबे जब पिक्चर सही है, आवाज सही है, तो ऋतिक रोशन का डायलॉग कैसे? और ऋतिक की बात है तो ऋतिक का डायलॉग तो ये है। मैं कह ये बच्चे के लिए चीज नहीं है, वो फर्जर है तो हमारी गलती है। अबे मेरे डायलॉग सही है, फिल्म भी सही है, लेकिन आवाज तो गोविंदा की है। अबे चुप। अबे जब सब कुछ सही है तो आवाज गोविंदा की कैसे? गोविंदा की आवाज तो यही। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सड़ी कुड़ी है, इसके लिए कोई लड़का वड़का ढूंढा की नहीं, और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। मैं इसके लिए लड़का ढूंढता हूँ, मेरा मतलब मैं इसके लिए लड़का ढूंढता हूँ। मेरे बाप, ए बीच में नहीं बोलने का, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ बीच में नहीं बोलने का, मैं करता हूँ ना करता हूँ, हाँ डायलॉग सुनाता हूँ। अबे मेरे बाप, ये तो नाना पाटेकर की आवाज है। अबे नाना पाटेकर के, नाना पाटेकर का जो डायलॉग ये हिंदू का कौन है, ये मुसलमान का कौन है, कौन सा हिंदू का, कौन सा मुसलमान का, ये बता। अबे ये तो सुनील शेट्टी की आवाज है। सुनील शेट्टी की आवाज है? हाँ। अरे भाई साहब, ऐसा करिए, आपके बस की बात है नहीं है, आपसे कुछ नहीं होना रहा, आप जाइए। सर एक मौका, इस बार मैं एकदम करेक्ट आंसर दूंगा। साहब हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, फिल्म गदर सनी देओल का डायलॉग, क्या बात है, सनी देओल, हाँ पक्का सही बोलेंगे ना? बिल्कुल 100% सही बोलूंगा। ठीक है, सुनाई। हाँ तो सुनिए, सनी देओल का डायलॉग ऐसा बोली, तुम्हारा बाकी ना जिंदाबाद है, अवर से कोई मतलब है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा।
और मेरे बाप कितने बार बोला तेरे बस की बात नहीं है भाई तू जा। अब शराबी सेट्टी होगा यार मालूम है मेरे बस की बात नहीं ना। ये क्या करे आप मेरे मालूम आप जैसे अमीर लोग को लेंगे जिनके बस हो गाड़ी हो चार पहिया गाड़ी हो उसके बाद वो आपको घर भी छोड़ देगा। मेरे पास जो साइकिल है ना ऐसा करिए एक काम करो 80 रुपए जो मैं निकलता हूँ। 80 रुपए किस चीज के? अबे कोई फर्क पड़ता है लो आप भैया 80 रुपए ये आप 100 रखिए भिखारी समझ रखा है 80 रुपए जो 100 रुपए नहीं चाहिए। अच्छा भाई साहब लेकिन 80 रुपए करेंगे? अबे तूने जितनी मैंने पी थी सब उतार दिया मैं अभी जाता हूँ फिर से एक कोटा मार के आऊंगा और फिर यहाँ पे करूंगा ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक्ट था तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं इसी तरह के वीडियो आपके बीच लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच धन्यवाद।